हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है रशनाज फूड किचन में। तो मैं रशना आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस सी आलू शिमला मिर्च के ड्राई सब्जी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। साथ ही आप इसे रोटी पराठे के साथ में खा सकते हैं, आप इसे दाल चावल के साथ में खाइए एज अ ड्राई सब्जी, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ ही इसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। शिमला मिर्च आलू की ड्राई सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से धुल लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ के 8 से 9 आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से छील लिया है। अब मैंने यहाँ पे इन्हें हल्के बड़े टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है, आप देख सकते हैं। हमें इसके बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े भी नहीं रखने हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं रखने हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे हल्के बड़े टुकड़ों में ही काटा है। तो आइए अब हम इसकी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है। अब इसमें हम 3 से 4 स्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब इसमें हम 1 टीस्पून जितना जीरा ऐड करेंगे और उसे कुछ सेकेंड के लिए चटकने देंगे। अब इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच जितना बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच जितना ही लहसुन ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ। आप चाहे तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाकर भून लेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अदरक लहसुन हमारा हल्का सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से स्लाइस में काट कर इसमें डाला है। अब इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए ब्राउन कलर आने तक इसे भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब हमारे प्याज में हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, तब इसमें हम अपने कटे हुए आलू ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्याज का हल्का कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम अपने आलू ऐड करेंगे। तो अभी सिर्फ हमें इसमें आलू ऐड करना है, अभी हम शिमला मिर्च को नहीं ऐड करेंगे। और प्याज के साथ में आलू को हल्का गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। इस वक्त हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब आप देख सकते हैं कि हल्का आलू हमारा पक चुका है और इसके ऊपर की जो लेयर है वो भी हल्की क्रिस्पी हो चुकी है। तो इस तरह से हम एक बार और इसे मिला देंगे। अब इसमें हम अपना कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे, जो हमने काट कर रखा था, और इसे भी हम आलू के साथ में अब पकाएंगे। आइए इसे हम मिक्स कर देते हैं एक बार। शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है, आपने देखा ही है, मैंने इसमें सिर्फ 4 चम्मच जितना ही तेल इस्तेमाल किया है। अब इसे हम ढककर 4 से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे कि हमारे आलू और शिमला मिर्च और ज़्यादा अच्छे से पक जाएंगे। यहाँ पे मैं आलू शिमला मिर्च की ड्राई सब्जी बना रही हूँ, तो आप इसे लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं रोटी पराठों के साथ में, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, आइए अब इसे एक बार और हम चला देते हैं। जब हम कोई भी सूखी सब्जी बनाते हैं और उसे इसी तरह से तेल में जब भूनते हैं, तो उसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो हल्की क्रिस्पी हो जाती है, तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ ही उसका स्वाद जो है वो और ज़्यादा दुगना हो जाता है। तो आप जब भी कोई सूखी सब्जी बनाएं, तो आप ज़रूर से इसी तरह से उसको तेल में ज़रूर भूनें, जिससे कि उसका स्वाद जो है वो और ज़्यादा दुगना हो जाए। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जितना नमक ऐड किया है, आप अपने स्वाद अनुसार भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम एक बार और इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम ढककर 4 से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, आइए हम इसको चेक करते हैं। अब इसमें हम हरा कटा हुआ मिर्च ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 बारीक हरी मिर्च को काट कर ऐड किया है, इसे भी हम एक बार और मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, साथ ही 1 टीस्पून जितना इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून जितना इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और अब हम सब चीज़ों को एक बार और मिक्स कर देते हैं। जब भी मैं कोई सूखी सब्जी बनाती हूँ, ड्राई सब्जी बनाती हूँ, तो मैं उसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो मसाले हमारे यहाँ पर जले नहीं, इसलिए इसमें अब हम टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरह रफली चॉप करके इसमें ऐड किया है। इस तरह से टमाटर ऐड करने से हमारी जो सब्जी है उसमें बहुत ही अच्छी से थिकनेस आती है, साथ ही सब्जी पे बहुत ही अच्छी से कोटिंग भी आ जाती है मसालों की। तो अब इसमें हम 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही इसे भी एक बार और मिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टमाटर को सब्जी के साथ में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है।
साथ ही हमारे टमाटर जो हैं वो अभी पके नहीं हैं, यानी कि पूरी तरह से गले नहीं हैं, तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर और पका लेंगे, जिससे कि हमारे जो टमाटर हैं वो पूरी तरह से गल जाएंगे। तो आइए अब इसे हम एक बार चेक करते हैं। तो ये हमारी सब्जी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो ये लीजिए, हमारी लाजवाब सी, मज़ेदार सी, चटपटी सी एकदम सब्जी बनकर तैयार है। तो इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ में खाइए, या आप इसे दाल चावल के साथ एज अ ड्राई सब्जी सर्व कीजिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी अपने घर में इस तरह से एक बार सब्जी बनाकर ये आलू शिमला मिर्च की ट्राई कीजिए, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आती है आलू शिमला मिर्च की, तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे का लाइक का बटन क्लिक करिए। साथ ही ऐसी और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।